कुश्ती संघ के तो वो इतने साल से अध्यक्ष हैं, तो ये लड़ाई अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई अभी अभी से 3-4 महीने से शुरू हुई। अगर उनके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम थी, यौन उत्पीड़न का मामला था, इतनी लड़कियां शिकायत कर रही थी, आपने शायद किसी चैनल से बातचीत में कहा कितने नाम लो, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100 ऐसा कुछ आपने कहा, तो ये मामला इतने सालों बाद क्यों उठा? क्या लोग नहीं बोलना चाहते थे, कोई डर था या क्या वजह थी? सर अभी ना बोलते ना कि अति हो गई थी बिल्कुल हर चीज़ की। पहले वो एक दो लड़की के साथ में, फिर दो से चार हो गई, 4 से 6 हो गई, फिर अभी तो ऐसे होने लगा कि जैसे अगर सपोज कंपटीशन में जा रहे हैं, 10 लड़कियां गई हैं, 10 के 10 लड़कियों के साथ में उन्होंने गलत करते किए हैं। तो ये सीधे आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हो या उनकी मंडली के लोग? नहीं नहीं, ब्रजभूषण के ऊपर। अगर 10 लड़कियां गई है, 10 की 10 लड़कियां परेशान की गई हैं वहाँ पे उनके द्वारा, और पूरा उन्होंने सेक्सुअली उनको ट्राई किया उन्होंने करने के लिए, दुखी किया, मतलब हर तरीके से जो कर सकते थे वो अपना, तो वो अति मतलब हर तरीके से, चलो ठीक है आप तानाशाही कर रहे हो, आप थप्पड़ मार रहे हो, आप गालियां दे रहे हो खिलाड़ियों को, सब सहन करते 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 एंड में मतलब जूनियर बच्चे हैं, मैं क्या बताऊं, कैडेट में जो बिल्कुल 14-14, 13-13 साल की जो लड़कियां बिल्कुल नई नई आती हैं, जिनको पता ही नहीं है लाइफ में क्या है, उन लड़कियों के साथ में गलत हरकतें करना है, ऐसे उनको उनका शोषण करना, वो चीज़ें मतलब मैं बता रही ना एक अलग ही लेवल पे पहुंच रही थी। अभी ऐसे हो रहा था कि जैसे मैं अभी बताती हूँ, अभी ट्रायल्स थे हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लास्ट ईयर में, 6 महीने पहले ही उन्होंने सबके सामने अनाउंसमेंट किया कि मैं कॉनॉट प्लेस में रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस हमने बना रहे हैं, तो सब ने तालियां बजाई करे, बहुत अच्छा, चलो रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस बनेगा। फिर उन्होंने एक और बात मेंशन की कि मैं उधर 4-5 रूम बना रहा हूँ ऊपर ऑफिस के ऊपर, और वहाँ बाहर से लड़कियाँ आएंगी कभी रेस्ट वेस्ट करने के लिए तो वहाँ रह सकती हैं। तो वो उनकी, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि खिलाड़ी आए, कहीं बाहर से लड़के हैं वो आए, सिर्फ लड़कियाँ कि लड़कियाँ आए बाहर से कभी भी तो उधर आए उधर रेस्ट करें। तो उनकी मेंटेलिटी क्या थी वो 4-5 रूम बनाने की? उसी टाइम मेरे को इतना धक्का लगा ना कि ये बंदा किस लेवल पे जाना चाह रहा है, मतलब इस, और मैं तो 20 साल तक राज करूंगा अभी तो हंस हंस के। उसी दिन की बात बता रही हूँ आपको, उस दिन इतना गुस्सा आया था, ये 6 महीने पहले हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स थे उसमें उन्होंने बोला था, उस दिन इतना गुस्सा आया था सर, बस लिमिट ही क्रॉस हो गई थी हर चीज़ की कि ये इंसान ख़त्म करेगा रेसलिंग को बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जो मेंटलिटी है ना वो अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, ये पागल हो गया इन चीज़ों के लिए, इसकी हरकतें हैं वो रुकने वाली नहीं है। और अभी क्या होने लग गया ना, उसके जो लोगों की जो गलत लोगों के जो थे उनके हाथ भी ज़्यादा फैलने लगे थे हर उसमें, लड़कियों के मामले में उनके हाथ ज़्यादा फैलने लगे थे, ज़्यादा ओपनली वो होने लग गए थे, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान किया है। और मतलब हर चीज़ पीछे है उनका, मैं बता रही ना उनका व्यवहार, उनका जो बाहुबलीपन है, जो धमकाना डराना कुछ भी बेइज्जती करना खिलाड़ियों की, 5 पूरा कॉम्पिटिशन चल रहा है किसी भी खिलाड़ी को, ए तू इधर आ, तू तो लड़की लग ही नहीं रही, तू तो लड़का है, तेरी बॉडी देख, ऐसे शेम करना लड़कियों को, तो बॉडी शेमिंग, ऐसे बॉडी शेमिंग बिल्कुल कंपटीशन में। मैं खुद, मेरे को खुद बुला के, मैं जूनियर कंपटीशन हो रहा था, मेरे को खुद बुलाया अपने पास बिठाया, और फिर बता रहे हैं कि देखो ये तो लड़की नहीं लग रही, देखो इसका कॉस्ट्यूम कैसे दिख रहा है, देखो इसके पैर कैसे दिख रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं शॉक्ड हूँ, मतलब मैं सुन के कि अंदर अंदर इतना गुस्सा आ रहा कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर कि हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि क्या करें, मतलब ऐसे लाचारी महसूस हो रही थी कि कुछ भी बोल दिया तो खत्म कर देगा सब कुछ, कंपटीशन खेलेंगे वही, रेसलिंग हमारे लिए एक जीने का साधन है, रेसलिंग के लिए हम जितने मरते आए हैं इतने साल तक, मैंने 20 साल से ज़्यादा हो गया रेसलिंग करते हुए, तो उसको कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम डरते हैं कि इससे, क्योंकि मन ही नहीं लगता रेसलिंग के बिना। तो वो हरकतें इतनी बढ़ रही थी सर, मतलब अति हो रही थी, रावण से भी ज़्यादा, मतलब राम रहीम है या जो भी, जितने भी ये अपने देश में इतने लोग ऐसे आए हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का लगा है, मुझे लगता है ये तो उससे भी चढ़ के है कुछ ना कुछ। तो ये बताओ, इतने गंभीर आरोप चूंकि लगा रहे हो और लगातार आप लोग बोल भी रहे हो, मुखर हो, तो मैरी कॉम अध्यक्ष थी उस कमेटी की शायद, जो कमेटी बनी, और पीटी उषा भी हैं, तो मैरी कॉम के सामने ये सारी बातें आप लोगों ने कही जी? चूंकि वो खुद एक विमेन है, प्लेयर है, बहुत सारी बातें हुई सर, जैसे साक्ष्य बता रही है कि वो खुद रो रही है, लड़कियां बता रही है वो खुद रोने लगी। कौन लड़कियां रो रही है? लड़कियां रो रही है, मैरी कॉम खुद रो रही थी। अच्छा, सुबक सुबक के रो रही थी, जैसे आप लोग हमें टीवी पे देख रहे हो वो ऐसे रो रही थी सुन के कि मैं यहाँ पे कुर्सी का कोई लालच नहीं है, आप लोगों के मैं न्याय करूँगी जितना मेरे से हो सकता है। तो हमें एक उस दिन ऐसे लगा कि चलो मैरी कॉम तो हमारा दर्द समझ रही है,
लेकिन जैसे ही उल्ट मतलब ये सब लोग के सोर्सेज आने लगे, उनके झूठी बातें फैलाने लगे, तब एकदम धक्का सा लगा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब ट्रस्ट करे तो किस पे करें। साक्षी जो बात ये कह रही हैं कि मैरी कॉम के सामने खिलाड़ियों ने कहा, लड़कियों ने कहा, वो खुद इमोशनल हुई या रोने भी लगी, तो एक खिलाड़ी होकर एक महिला होकर क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने नहीं समझा? और दूसरी बात कि जैसे पीटी उषा का बयान आया कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार तो करते, पहले ही सड़क पर बैठ गए, हो सकता है कमेटी में की रिपोर्ट में ऐसा हो जो आप लोगों ने कहा वो मेंशन हो, आपको कैसे लग रहा है क्लीन चिट मिल गया? मैरी कॉम की बात रही, जब लड़कियां वहाँ बयान बता रही थी तो इतने अच्छे रिएक्शन दे रही थी, यस दिस इज़ ऑल्सो माई स्टोरी, यस दिस इज़ ऑल्सो माई स्टोरी, एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे उनके जब वो लड़कियां बयान दे रही थी, यस एग्जैक्टली दिस इज़ माई स्टोरी, ओ माई गॉड। फिर पूरी सब लड़कियों ने बताई तो कमेटी की लेडीज़ जो मेंबर थी वो सब रोने लगी, लड़कियां क्योंकि रो रही थी, फिर वापस में चुप करा रहे थे कि ठीक है न्याय मिलेगा। तो एक बात बताइए कि अंदर कुछ और रवैया था, बाहर कुछ और इतना बताने के बाद, इतना होने के बाद भी रिपोर्ट की वेट करें, 3 महीने तो कर ली और कितना वेट करें हम कि वेट नहीं कि धरना कर दिया, अनडिसिप्लिन कर दिया, मतलब वही बात है कि अभी मैं बोलने को भी कुछ नहीं बचा है कि मतलब किस हद तक मैं मतलब सफाई दूँ इन चीज़ों की, बार बार हर बार, शायद आज का ये मेरा 100वां इंटरव्यू होगा। मैं समझ सकता हूँ, एक ही बात बार बार कहना, एक ही सवाल बार बार पूछा जाना, तो मतलब परेशानी होती है कि अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए या वो बातें बताने के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है, और जो समझ सकते हैं वो कनेक्ट कर भी लेते होंगे कि हम सच बोल रहे हैं। नहीं, हम तो मानते हैं कि अगर ऐसे बेटियां देश की सड़क पर बैठी हैं तो वजह तो होगी, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो भारत का कायदा कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2013 की, कि अगर संगीन ऐसे आरोप लगे, कॉग्निजिबल ऑफेंस हो, तो तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में लगातार आनाकानी होती रही। FIR दर्ज कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट के डर से वो मैं बता चुका हूँ। तो जैसे एक टेबल पे आप लोग थे और PM आपसे बात कर रहे थे, और विनेश, बेटा विनेश, बहुत ही आत्मीयता और प्रेम के साथ, बजरंग से भी, और तो उसके बाद जब ये जनवरी से ये चल रहा है, उसके पहले से भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन जनवरी से मैं देखता हूँ तो 3.5 महीने हो रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई संवाद, कोई कम्युनिकेशन, कोई बीच का मैसेज, मैसेंजर की एक बार बात करें, कभी हुआ? नहीं जी, कभी नहीं हुआ कोई कम्युनिकेशन, कभी कुछ भी नहीं। तो क्यों लगता है कि जब इस तरह से बात करने वाला प्रधानमंत्री, साक्षी के लिए देखा मैं आज ही ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं, शायद रक्षाबंधन में आपको शुभकामना उन्होंने दी, तो जब इस तरह से एड्रेस करते रहे PM मोदी, और इतने बड़े आरोप को लेकर आप सड़क पर धरना दे रहे थे जनवरी में भी और अभी भी, तो क्यों लगता है क्यों नहीं संवाद किया गया उधर से? देखो कितना टाइम हो गया, मतलब अभी तक PM सर का कुछ भी नहीं है कि वो बुला लें, बातचीत कर लें, लेकिन आप ठीक कह रहे हो, जब मेरा मेडल आया तो उन्होंने स्पेशल ट्वीट किया था कि आपने पूरे भारत के मतलब उसको राखी का एक तोहफा दिया है, तो मेडल आता है तो खूब प्यार करते हैं, और अभी हम मुसीबत में हैं और वो मतलब हमसे बात नहीं करना चाहते, मन की बात करते हैं हमेशा कि मन की बात का उनका एपिसोड्स आते हैं, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप सबकी मन की बात सुनते हैं, आपने हमारे मन की बात नहीं सुनी, हमारे 7 दिन हो गए यहाँ, और हालात आप दिखाई सकते हो अपने चैनल के थ्रू कि हम कैसे रह रहे हैं, तो हमारे मन की बात तो देखो अभी तक सुनी नहीं है उनने, 3 महीने हो गए और कोई अप्रोच नहीं है वहाँ, तो क्यों नहीं सुनी? क्या लगता, कुछ तो ऐसे साफ भी कर रहे होगे, क्या वजह है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इतना इम्पोर्टेंट है या क्या वजह? नहीं, थैंक यू, क्या वजह है कि कोई बात नहीं हो रही है? देखो मुझे तो यही लग रहा है कि वो पॉलिटिकल स्ट्रांग हैं और शायद उनको ज़्यादा ज़रूरत है उनकी बजाय के एक खिलाड़ी की, मतलब मोदी जी को ब्रजभूषण शरण सिंह की ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ, और खिलाड़ी की शायद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बेटियों की बात सुनते, बस यही लग रहा है क्योंकि वो मतलब पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग हैं, और जब भी हमारे देश में मतलब मेडल जो है ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, जो हमारा जो मेडल टैली है वो कितने नीचे होती है, सिर्फ यही कारण है कि खिलाड़ियों को ऐसी सिचुएशन पे सपोर्ट नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री जी से खुद गुहार लगा रहे, वो आ जाए चाहे।
किसी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो आ जाएंगे तो। या बुला लें आपको, वो तो ऐसी जगह पर नहीं आते हैं, इतने किसान बैठे रहे उसमें बहुत सारे लोगों ने जान दे दी अपनी चिट्ठी लिख लिख के उनके नाम पर। नहीं, उन्होंने बोला कि वो खिलाड़ियों की इज्जत करते हैं, उनका दर्द समझते हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो मुझे लगता है अगर संघर्ष किया है, दर्द समझते हैं तो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो कहीं पर आ नहीं सकते, उन्हीं का देश है, उन्हीं की बनाई हुई सड़कें हैं, उन लोगों ने ही बनाए हुए संविधान है हमारा। तो मुझे नहीं लगता कि आना या जाना मतलब कोई भी इसमें डिफरेंस होता होगा, अगर वो चाहें तो आ सकते हैं। नहीं, आप जब मेडल लेकर आएंगी अगली बार तो एक दर्जन कैमरे के सामने, एनआई के टेलीविजन से, के सामने आपको बुलाएंगे, मंत्र पे अगर आ जाएंगे और बेटा तो, विनेश और बेटा बजरंग बात करेंगे। अभी तो आप धरना दे रहे हैं, अगर ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे, अगर हम जंतर मंत्र पे आ गए तो जंतर मंत्र पे भी वो आ सकते हैं, इतना तो हमें मतलब पता है ना। अभी लग रहा है हाँ कि मेडल जीतने के बाद तो सब आएंगे फोटो, सब लाइव चलेगा चैनल पर, देश देखेगा कि प्रधानमंत्री खेल को लेकर और खिलाड़ी को लेकर कितने मतलब चिंतित रहते हैं, कितनी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन वही खिलाड़ी, वही बेटियां जिन्हें प्रधानमंत्री ने घर बुलाया था, वही बेटियां यहां अभी अब आधी रात की शुरुआत होने वाली है, 12 बज चुके हैं, तो यहां बैठे प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, मन की बात आप करते हैं, इनकी मन की बात कब सुनेंगे? लेकिन ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं। मन की बात में हमारे लिए एक एपिसोड खाली नहीं रह सकता क्या? 100 एपिसोड हो चुका मतलब है मतलब ये हमारे मन में काफ़ी सवाल उठते हैं, हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, या ये लगा लो हम वो जब बोल नहीं पाते हैं तो आंखों से आंसू ही निकलते हैं, लेकिन क्या एक एपिसोड हमारे लिए भी नहीं बना सकते हैं? उन्हीं का बनाया हुआ स्लोगन है मन की बात, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के कैमरामैन हैं, तो क्या हमारे लिए एक हम भी फ़ोन रखते हैं? ऐसा नहीं है कि उनको आने की ज़रूरत नहीं, हम फ़ोन से कनेक्ट करके मन की बात बता देंगे, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए हमें भी। मैं बहुत बड़ी बात कही और अब सोने का वक्त है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है कि बहुत देर तक आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ।